चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सऊदी अरब और कतर संबंध। चलिए अब देखते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले चार मध्य पूर्वी देशों के गठबंधन के कतर के साथ संबंध तोड़ने के लगभग 3 साल बाद सऊदी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि रियाद और उसके 3 अरब सहयोगी कतर के साथ पूर्ण संबंध बहाल करेंगे। खाड़ी सहयोग परिषद में सऊदी अरब, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात कतर की घेराबंदी खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। इस बारे में कतर और खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य दूसरे देशों ने समझौते पर दस्तखत भी किए हैं। उसके तुरंत बाद मिस्र ने भी कतर के साथ फिर से संबंध कायम करने का ऐलान किया है। चलिए देखते हैं रियाद दोहा विराम क्या है। जून 2017 को इस झगड़े की शुरुआत हुई थी। इस दिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने मिलकर कतर के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। कतर की सारी दिशाएं विरोधियों से घिरी हुई हैं। ऐसे में इन देशों ने कतर के साथ अपनी जमीनी, आसमानी और समुद्री सीमाएं बंद कर दी थी। गठबंधन देशों ने संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए 13 मांगे रखी थी। इसमें एक मांग ये भी थी कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, बहरीन, अमेरिका और बाकी देशों द्वारा आतंकी माने जाने वाले संगठनों की फंडिंग रोके, तुर्की के साथ संबंध तोड़े, उसका मिलिट्री बेस बंद करे, ईरान के साथ रिश्ते खत्म करे, वहां अपने दूतावास भी बंद करे। इसके अलावा न्यूज नेटवर्क अल जजीरा को बंद करने और राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के मामले में बाकी अरब देशों का साथ देने की शर्त तीनों देशों की थी। लेकिन कतर ने ईरान से मदद मांगी, ईरान ने भी उसके लिए अपने रास्ते खोल दिए। कतर की मदद के लिए तुर्की भी सामने आ गया। मध्य पूर्व में कतर की स्थिति क्या है? पिछले 4 दशकों में कतर सबसे गरीब खाड़ी राज्यों में से एक सबसे धनी देश बन गया है। इस क्षेत्र की राजनीति में एक प्रभावशाली खिलाड़ी बनने में मदद करने में बड़े गैस भंडार की उपस्थिति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कतर ने व्यापक वैश्विक मंच पर अपने धन और प्रभाव का उपयोग किया है। कतर ईरान के साथ एक विशाल गैस क्षेत्र साझा करता है, जो तेहरान में सिया शासन के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए एक प्रोत्साहन भी है। यह सुन्नी सऊदी अरब के लिए एक मजबूत अड़चन है, जो मध्य पूर्व के भू राजनीति को नियंत्रित करना चाहता है। गाजा में फिलिस्तीनी हमास के लिए कतर का समर्थन, मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड और सीरिया में इस्लामी समूह भी विवाद के प्रमुख क्षेत्र हैं। कतर ने हालांकि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का समर्थन करने से इनकार किया है। मध्य पूर्व के संकट में निर्णायक भूमिका किसकी रही है? अमेरिकी सत्ता में परिवर्तन की भूमिका भी सऊदी रुख में बदलाव के पीछे अहम रही है। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा कतर में ही है। ऐसे में कतर के साथ अमेरिकी प्रशासन की सहानुभूति का अनुमान लगाया गया है। ट्रंप की विदेश नीति अस्थिर और अनिश्चित थी और अमेरिकी प्रशासन भी हाल में कतर की घेराबंदी खत्म कराने में जुट गया था। अनुमान था कि जो बाइडन के दौर में ऐसी कोशिशें और तेज होंगी, इसलिए खाड़ी देशों ने पहले ही इस संकट को खत्म करने का फैसला किया है। अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है रियाद दोहा विराम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के मिलकर कतर के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने से संबंधित है। कथन दो, सऊदी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि रियाद और उसके 3 अरब सहयोगी कतर के साथ पूर्ण संबंध बहाल करेंगे। उपरोक्त में सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आप अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा।
पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।